बहुत पहले की बात है, किसी जंगल में टूनी पक्षी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। उसी जंगल में एक दुष्ट सियार भी रहता था। एक दिन सियार की नजर उस टूनी के घोंसले पर पड़ी। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, टूनी के घोंसले में उसके दो दो बच्चे। टूनी के बच्चे के नरम नरम मांस खाने में तो मजा ही आ जाएगा। बहुत दिनों से मैंने पक्षियों का मांस भी नहीं खाया है, आज तो मजा आ जाएगा। अब जाता हूँ और टूनी को धमका कर उसका बच्चा खा जाता हूँ। यह कहकर सियार झाड़ी से निकलकर टूनी के घोंसले के नीचे जाता है और टूनी से कहता है, टूनी, और टूनी, तुम्हारे दोनों बच्चों को नीचे गिरा दो, नहीं तो अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया तो तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी चट कर जाऊंगा। तुम बंदर हो और ना ही सांप, जो तुम पेड़ में चढ़कर मेरे बच्चे को खा जाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम एक सियार हो, अगर तुझ में इतनी हिम्मत और ताकत है तो पेड़ पर चढ़कर मेरे बच्चे को खाकर तो दिखाओ। मुझे कमजोर समझ रही है तुम? देखो टूनी, अभी भी समय है, तुम अपने बच्चे को नीचे गिरा दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं भी तो कह रही हूँ, तुम कैसे ऊपर आकर मेरे बच्चे को खाते हो, मैं भी देखती हूँ। टूनी की बात सुनकर सियार मन ही मन सोचता है और कहता है, टूनी का पेड़ बहुत पतला और छोटा भी है, अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो टूनी के दोनों बच्चे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि टूनी के दोनों बच्चे उड़ना भी नहीं जानता है, और मैं उसे आराम से खा जाऊंगा। यह कहकर सियार टूनी के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। जैसे ही सियार पेड़ को हिलाता है, टूनी के दोनों बच्चे घोंसले से नीचे गिर जाता है। जैसे ही टूनी के बच्चे नीचे गिरता है, सियार उसे खा जाता है और फिर कहता है, हा हा हा, देखा टूनी, मैंने तुम्हारे बच्चे को खा गया, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाता तो तुम्हें भी खा सकता था, वैसे तुम्हें छोड़ देने से मुझे फायदा ही है, इसीलिए मैं पेड़ पे नहीं चढ़ा था। अब तुम फिर से अंडा दोगी और उसमें फिर से बच्चे होंगे और मैं फिर से तुम्हारा बच्चा खाऊंगा। तुम अंडा देती रहोगी, मैं खाता रहूंगा। अच्छा टूनी, अब मैं चलता हूँ, तुम अंडा देने की तैयारी करो। तुम बहुत ही दुष्ट सियार हो, मेरे एक छोटे छोटे बच्चों को खाकर तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मेरे बच्चे को खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो फिर तूने मेरे बच्चे को क्यों खाया? अरे टूनी, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बच्चों के मांस में कौन सा स्वाद था? तुम्हारा बच्चा खाने के बाद मुझे क्या मजा आया, ये बोल कर समझाया नहीं जा सकता। ऐसा स्वादिष्ट मांस मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से अंडा दो और बच्चा पैदा करो, मैं फिर से उसे भी खाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर सियार वहाँ से चला जाता है और टूनी अपने बच्चों के खोने के गम में अपने घोंसले में बैठी बैठी रो रही होती है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सियार अपने गुफा में सो रहा होता है, अचानक उसकी आँखें खुल जाती है और उसे फिर से टूनी की याद आ जाती है। तब वह कहता है, अरे टूनी का बच्चा खाया तो बहुत दिन हो गया, इसी बीच टूनी अंडे देकर बच्चे भी पैदा कर दी हो। ऐसा करता हूँ, एक बार फिर से जाता हूँ और टूनी का घोंसला देख कर आता हूँ। यह कहकर सियार अपने गुफा से निकलता है और टूनी के घोंसले की ओर चल पड़ता है। तब तक टूनी के फिर से दो नन्हे नन्हे बच्चे आ चुके थे। पहले की तरह ही टूनी अपने बच्चों की पहरा कर रही थी। दुष्ट सियार झाड़ के पीछे से देख रहा था कि टूनी के घोंसले में फिर से दो दो बच्चे आ चुके हैं और जो बहुत ही खूबसूरत है। अभी जाता हूँ और टूनी से उसका बच्चा मांगता हूँ, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से पिछला काम को दोहराऊंगा, वैसा ही करूंगा, पेड़ को हिलाऊंगा, बच्चा को गिराऊंगा और खाकर मस्त होकर चला जाऊंगा। यह कहकर सियार झाड़ी से बाहर आता है और पेड़ के पास आ जाता है और फिर से टूनी से कहता है,
क्या रे टूनी, मैंने बोला था ना कि मैं फिर से आऊंगा। लो मैं आ गया, अब देर मत करो, लाओ तुम्हारे दोनों बच्चों को नीचे गिराओ, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे बच्चे को मत खाओ सियार भाई, मेरे बच्चे पर तरस खाओ, मत खाओ मेरे बच्चे को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देखो टूनी, मैं तरस उरस नहीं खाने वाला, मैं तो खाने वाला हूँ तुम्हारे बच्चों को। जल्दी से तुम अपने बच्चे को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस बार आप मेरे बच्चे को छोड़ दो। ओ समझ गया, अब सीधी बात से काम नहीं होने वाला, लगता है अब उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, लगता है फिर से पेड़ को हिलाना पड़ेगा, तभी बच्चे फिर से नीचे गिर जाएंगे। यह कहकर सियार पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, पहले की तरह फिर से टूनी के दोनों बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं और दुष्ट सियार उसे खाकर वहां से चला जाता है। यह देखकर टूनी फिर से उदास हो जाती है और घोंसले में बैठकर रोने लगती। अगले दिन टूनी की बहन गौरी कौवी आ जाती है और टूनी से कहती है, क्या हुआ टूनी बहन, क्यों रो रही हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ है? अब क्या बताऊँ बहन, एक दुष्ट सियार आकर मेरे बच्चे को खा गया, पहले भी उसने ऐसा ही किया था और मैं कुछ नहीं कर पा रही। सियार कैसे तुम्हारे बच्चे को खा जाते हैं? वो तो पेड़ में चढ़ भी नहीं सकता, फिर वे तुम्हारे बच्चे को कैसे खा गए? दुष्ट सियार पेड़ को हिलाकर बच्चे को नीचे गिरा देता है और उसे खा जाता है। वैसे मेरा ये पेड़ बहुत ही पतला और कमजोर है, इसलिए वह इसे हिला देता है और बच्चों को गिराकर खा जाता है। ओ अब समझ में आया कि सियार तुम्हारा बच्चा कैसे खा जाता है। तो तुम अब क्या करोगे, कुछ सोचा है इस बारे में? मैं बदला लूंगी, मेरे बच्चे को खाने वालों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। सियार बहुत ही बुद्धिमान है, तुम उससे कभी भी बदला नहीं ले पाओगी, वह अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ चाल जरूर चलेगा। तुमने कुछ सोचा है? जब वह जंगल में घूमेगा तब मैं उड़कर जाऊंगी और उसके सिर पर चोंच मारकर उसका भेजा निकाल लूंगी, तब तो वह मर जाएगा। अरे पागल, अगर तुम ऐसा करोगी तो वह तुम्हें भी पकड़कर खा जाएगी। तो मैं अब क्या करूंगी बहन? तुम ऐसा करो, तुम बाजार जाकर एक छुरा खरीद कर लाओ और जब सियार अपने गुफा में सो रहा होगा तब तुम उसका पूंछ काट देना, फिर वह अपने कटे हुए पूंछ को लेकर किसी के सामने नहीं जा पाएगा और वह अपने आप जंगल छोड़कर भाग जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टूनी बाजार जाती है और एक छुरा खरीद कर उसी रास्ते से सीधे सियार के गुफा में चली जाती है। उस समय सियार अपने गुफा में सो रहा होता है, जैसे ही टूनी उसे देखती है उसका पूंछ काट देती है और वह तेजी से वहां से उड़कर भाग जाती है। सियार अपना काटा हुआ पूंछ देखकर कहता है, टूनी ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे पूंछ काट दी, अब मैं कटी हुई पूंछ को लेकर किसी के सामने कैसे जाऊंगा। आह आह। इस तरह सियार दर्द से कराहते हुए अपने कटे हुए पूंछ के साथ जंगल छोड़ देता है और टूनी फिर से उसी घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी, वह अपने पिता बबलू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी को जन्म देते समय ही उसकी माँ गुजर गई थी। टूनी बहुत छोटी थी, वह माँ की बहुत ज़रूरत फील कर रही थी। टूनी का ध्यान रखने के लिए उसके पिता बबलू कबूतर ने जंगल की खूबसूरत पक्षी रानी चिड़िया से शादी कर ली, लेकिन रानी चिड़िया टूनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रानी चिड़िया ने सिर्फ बबलू का जायदाद हासिल करने के लिए उससे शादी की थी। यूं तो रानी चिड़िया बबलू कबूतर के सामने टूनी को बहुत लाड प्यार करती, पर जैसे ही बबलू कबूतर बाहर जाता वह टूनी को सताने लगती थी। अरे ओ टूनी, यहाँ आ और मेरे पैर दबा। ठीक है माँ, लेकिन माँ
जला हुआ है, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है, मैं कैसे आपका पैर दबाऊंगी? क्या, तुम्हारा हाथ जला हुआ है? छी छी, चल हट, दूर हो जाए यहाँ से। इन जले हुए हाथों से मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। तभी वहाँ बबलू कबूतर आ जाता है और कहता है, अरे वाह रानी, तुम दोनों माँ बेटी यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरी बेटी टूनी को हमेशा अपने साथ ही रखती हो और इसे बहुत प्यार करती हो। अरे बबलू जी, ये मेरी भी तो बेटी है, ये देखिए इसका हाथ जल गया है, इसका हाथ जल गया है, पर इसको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं इसका इलाज कर देती, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती। रानी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है। तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करती हो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो रानी, मुझे अपने काम के लिए दूसरे जंगल में जाना है। तुम अपना और टूनी का ध्यान रखना और इसे समय पर खाना देना, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊँगा। इतना कहकर बबलू कबूतर घर से चला जाता है। अब तो रानी चिड़िया को मौका मिल गया था, वह तुरंत अपने भाई को बुलाती है। अरे गोलू भैया, अभी तो बहुत अच्छा मौका है, टूनी के पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। चल अब एक काम करते हैं, टूनी को ठिकाना लगा देते हैं, जब उसका पापा पूछेगा तो कह दूंगी कि भाग गई है, फिर मैं उसे अपने वश में कर लूंगी, मैं उस पे अपनी जादू चला दूंगी, वह मेरे प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि सारा जायदाद मेरे नाम पर करा देगा, फिर मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बहुत अच्छा मौका है, चल टूनी को ठिकाना लगा देते हैं, फिर दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले, लगे हाथ मौके का फायदा उठा लेते हैं। इन दोनों भाई बहन की सारी बातें टूनी चुपके चुपके सुन लेती है। अच्छा तो तुम ये सब करना चाहती हो, तुम मुझे ठिकाना लगाओगी, तुम बहुत गंदी हो, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरी माँ हो, पर तुम तो मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती, तुम तो हो ही एकदम कमीनी। आने दो मेरे पापा को, उन्हें सब बता दूंगी, तुम मेरे पापा के पीठ पीछे उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, मेरे पापा तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। अरे कलमोही, तुम तो हो ही इतनी सी, पर तुम्हारा जुबान बहुत चलता है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन किसे ठिकाना लगाएगा, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। गोलू, ले चलो इस कलमोही को घने जंगल में ले जाकर इसे काट काट कर चील कौओं के हवाले कर देंगे। यह कहकर वे दोनों टूनी को लेकर एक घने जंगल में चले जाते हैं। फिर वहाँ एक पेड़ के साथ टूनी को बांध देते हैं। दीदी, मैं इसे भी अपनी मम्मी के पास भेज देता हूँ। अरे गोलू भैया, क्यों इस मनहोश की खून से अपना हाथ खराब करना चाहती हो? इसे यहीं पर छोड़ दो, जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा लेंगे, क्यों हम लोग अपना कीमती समय यहाँ पर बात करेंगे, चलो घर चलते हैं। यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पापा पापा, आप कहाँ चले गए हो? पापा, माँ तो पहले ही मुझे छोड़ के चली गई है, आप भी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? पापा पापा, जल्दी आओ पापा, मुझे यहाँ से ले चलो पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है पापा। टूनी के रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक हुदहुद चिड़िया आती है और टूनी को रस्सी से आजाद कर देती है, फिर बोलती है, अरे नन्ही बच्ची, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में तुम क्यों हो बेटी? तुम्हें पता नहीं यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वो तो तुम्हें खा जाएंगे। दादी अम्मा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़कर चली गई है, मेरे पिताजी को कुछ भी पता नहीं है, वो घर पर नहीं है, इसी बात का फायदा उठाकर मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ बांधकर चली गई है, पर आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं बेटी, मुझे क्या डर लगेगा, मेरे भी बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है,
और इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं तो बहुत दिनों से यहाँ रहती हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता। दादी अम्मा, शायद इसीलिए ये सब हुआ ताकि मैं आपको और आप मुझे मिल जाओ। चलो अब हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ बेटा चलो, अब मैं तुम्हें अपना घर ले चलती हूँ। मैंने इस जंगल में एक घर बनाया हुआ है, हम दोनों वहीं रहेंगे। ऐसा कहकर वह हुदहुद चिड़िया टूनी को अपने साथ लेकर उसके घर चली जाती है। हुदहुद चिड़िया का वह घर बांस का बना हुआ था। उसे देखकर टूनी बोलती है, दादी अम्मा ये तो घर बहुत ही सुंदर है और ये तो सिर्फ बांस से बनाया गया है। ये घर तुमने कैसे बनाया दादी अम्मा? बेटी मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं मजबूत लकड़ियाँ उठाकर लाऊं और उनसे मजबूत घर बनाऊं। मुझे यहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ मिले थे, मैंने उन्हीं से घर बना लिया। मैं इसी घर में रहती हूँ बेटी और जंगल से फल लाकर खाती हूँ। चलो चलो अंदर चलो, अब हम दोनों यहीं साथ मिलकर रहेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया उस हुदहुद चिड़िया के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इधर उसकी सौतेली माँ रानी चिड़िया अपने भाई के साथ मिलकर खूब मस्ती कर रही थी। गोलू भैया, कई दिन बीत गए हैं, अब टूनी का बाप यहाँ आता ही होगा। आते ही वह अपनी बेटी के बारे में पूछेगा। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। अरे रानी दीदी, लगता है तेरा पति आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तू अपने पति से बात कर लेना। फिर कबूतर अंदर आता है और रानी चिड़िया से कहता है, रानी टूनी कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या वह? अरे क्या बताऊँ, मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि उस लड़की की चाल चलन अच्छी नहीं है। अरे वो पड़ोसी के साथ भाग गई है, हम सभी का मुंह काला कर गई है वो लड़की। रानी चिड़िया ने बबलू कबूतर को टूनी के खिलाफ बहुत भड़काने की कोशिश की, लेकिन बबलू कबूतर को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वह रानी चिड़िया पर भरोसा नहीं किया और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से जंगल की तरफ चला गया। बबलू कबूतर के जाते ही रानी का भाई गोलू वहां आ जाता है और अपनी बहन रानी चिड़िया से खूब सारी बातें करता है। इधर बबलू कबूतर टूनी को सारे जंगल में ढूंढकर वापस आ जाता है। वह घर के बाहर खड़ा होकर गोलू और रानी चिड़िया की सारी बातें सुन रहा होता है। अरे गोलू भैया, ये देखो टूनी का बाप तो यहाँ से चला गया। अरे वह तो टूनी के गम में ही उधर कहीं मर जाएगा, वो वापस नहीं आने वाला। अब ये हवेली, ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी अब हमारा है, अब हम मजे से जिंदगी जिएंगे। हाँ हाँ रानी दीदी, अब तक तो टूनी का सत्यानाश हो गया होगा, उसे तो कब का जंगली जानवर खा गया होगा। इतना सुनते ही बबलू कबूतर बाहर से ही कहता है, मुझे तो लग ही रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया है। इस गलती की सजा अब मैं तुम्हें दूंगा। तुम दोनों ने मुझसे मेरी बच्ची तो छीन ली, लेकिन अब तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर बबलू कबूतर बाहर से ही अपने उस घर में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उस आग में रानी चिड़िया और गोलू दोनों जलकर राख हो जाता है। बबलू कबूतर दूर जंगल में बैठकर रो रहा था। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ये तो मेरे पापा की आवाज है। पापा आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पापा, आप इधर आओ, आप इधर आओ पापा, मैं यहाँ बांस के घर में हूँ। बबलू कबूतर अपनी बेटी टूनी की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है और उसके पास चला जाता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर हुदहुद चिड़िया, टूनी और बबलू कबूतर तीनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी उसी बांस के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए। आपने तो सुना ही होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। अगर आप भी बुरा नज़र डालोगे तो रानी चिड़िया और गोलू की तरह आप भी कभी आग में जल रहे होंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।